वाले हैं कि भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कौन लाया, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार तो बहुत पहले हुआ, आज से बहुत समय पहले कंप्यूटर चल पड़े थे, लेकिन कुछ ही देशों में इनका प्रचलन था जो टेक्नोलॉजी में आगे थे। लेकिन कुछ देश तो ऐसे थे जिनको कंप्यूटर के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन इसकी बढ़ती जरूरतों को देखकर यह धीरे धीरे पूरे विश्व में इस्तेमाल होने लगा। लेकिन इसको कुछ ही देश ही बनाते थे, वहां से इसको लाया जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन के रह गया है, इसलिए आज लगभग सभी देशों में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। आज शायद ही कोई ऐसा देश बचा है जहां कंप्यूटर का कम इस्तेमाल किया, वरना तो कंप्यूटर का इस्तेमाल आज कोई सामान खरीदने से लेकर डाटा स्टोरेज तक होता है। आप इसमें अपना किसी टाइप का भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, इंटरनेट से अलग अलग जानकारी हासिल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मिनट में हल कर सकते हैं, और कंप्यूटर का इस्तेमाल लगभग हर जगह होने लगा है। क्योंकि आज लोगों के पास समय की कमी है और थोड़े समय में ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कंप्यूटर का इस्तेमाल दिन भर बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कौन लाया था। भारत में सबसे पहला कंप्यूटर सन 1952 में डॉक्टर दिविजीश दत्ता द्वारा कोलकाता में भारतीय विज्ञान संस्थान के अंदर लाया गया था, जो एक एनालॉग कंप्यूटर था। और उसके बाद बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में एक एनालॉग कंप्यूटर लगाया गया था। लेकिन भारत में वास्तव में कंप्यूटर युग की शुरुआत तो सन 1956 में हुई, जब कोलकाता भारतीय विज्ञान संस्थान के अंदर डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M लगाया था। यह भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर के आने के बाद भारत जापान के बाद एशिया का दूसरा ऐसा देश बन गया था जिसने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। फिर सन 1958 में URL नामक का एक कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया, जो आकार में HEC-2M से भी बड़ा था। इस कंप्यूटर को रूस से खरीदा गया था और सन 1964 में इन दोनों कंप्यूटर का इस्तेमाल बंद कर दिया, क्योंकि उस समय IBM ने अपना पहला कंप्यूटर IBM 1401 भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया, जो IBM 1400 का पहला कंप्यूटर था, जो एक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम कंप्यूटर था, जिसे IBM ने सन 1959 में बनाया था। अभी तक जितने भी कंप्यूटर बने थे सभी दूसरे देशों से खरीदे गए थे, भारत में एक भी नहीं बना था। लेकिन सन 1967 में भारत की दो संस्थाओं भारतीय सांख्यिकी संस्थान तथा जादवपुर यूनिवर्सिटी द्वारा मिलकर भारत के अंदर पहला कंप्यूटर बनाया। इसका नाम ISI-JU रखा गया और HEC-2M तथा ISI-JU में एक अंतर था। URL HEC-2M तथा URL दोनों ही वैक्यूम ट्यूब युक्त कंप्यूटर थे, जबकि ISI-JU एक ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर था। और इसके बाद तो भारत में ही कंप्यूटर बनने लगे और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अल्टीमेट 8000 था, जिसे भारत में बनाया गया था। और आज तो बहुत लेटेस्ट कंप्यूटर भारत के अंदर बनाए जाते हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनी भारत के अंदर कंप्यूटर बनाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।